अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मचे घमासान की। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में जुबानी जंग छिड़ गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक वीडियो में दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कही। दिग्विजय सिंह ने भी कमलनाथ के बयान पर तंज कसा। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने के बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शिवपुरी जिले के कोलारस में वीरेंद्र रघुवंशी को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सामने प्रदर्शन किया, जिस पर वे कथित तौर पर दिग्विजय सिंह और उसके बेटे जयवर्धन के कपड़े फाड़ने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कमलनाथ के सामने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा है। ये कार्यकर्ता कोलारस से रघुवंशी को उम्मीदवार ना बनाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि अगर आप लोग जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। आपको बता दें कि वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने उन्हें शिवपुरी से टिकट देने का वायदा किया था, लेकिन टिकट उन्हें मिला नहीं। कांग्रेस में कपड़ा फाड़ जंग के बीच अब प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सफाई सामने आई। मामले को तूल पकड़ता देख दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। दरअसल भोपाल में कांग्रेस के वचन पत्र जारी करने के बाद मजाकिया अंदाज में दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर तंज कसा। ये पूरा वीडियो देखिए। ने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आपकी उनके कपड़े फाड़े। एक मिनट, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, वो पार और अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जुबानी जंग के बीच सीएम शिवराज सिंह ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असली स्वरूप है ये, कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता, कांग्रेस की टिकट कहाँ तय हो रहे हैं। अभी ये भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुलनाथ घोषित करेंगे, और नकुलनाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे, और दो टिकट उन्होंने घोषित भी कर दिए। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुलनाथ की कांग्रेस अलग है? कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ विवाद पर शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस तो गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। अभी तक जनता के कपड़े फाड़ने की बात करते, हम नेताओं के कपड़े फाड़ने की भी बात करेंगे। ये कांग्रेस की संस्कृति को, कमलनाथ जी की राजनीति करने की जो उनकी पद्धति है उसको स्थापित करता है। ये इन्होंने हर समय यही किया है, केवल और केवल अनर्गल परंपराओं को राजनीति में स्थापित करना,
ये कांग्रेस की आदत है। ये बहुत ही शर्मनाक वीडियो है जिसमें कमलनाथ जी का चरित्र भी पता लगा और दिग्विजय सिंह जी की क्या कार्य पद्धति ये भी स्थापित।